नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। फर्जी कनाडा वीजा से विदेश भेजने वाली शातिर महिला को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने पकड़ा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस की टीम ने 15 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रही एक महिला को पकड़ लिया है। महिला पर आरोप है कि उसने साल 2009 में एक व्यक्ति के पासपोर्ट पर फर्जी कनाडा वीजा लगाकर उसे विदेश भेजने में मदद की थी। आईजीआई एयरपोर्ट डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि 24 जुलाई 2009 की रात को गुरदास सिंह नाम का शख्स चीन से दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचा था। जांच के दौरान उसके पासपोर्ट पर लगा कनाडा का वीजा फर्जी पाया गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि गुरदास सिंह को चीन में रहने वाले एजेंट अशोक ने अपने साथियों की मदद से फर्जी वीजा उपलब्ध कराया था। इन साथियों में सुखदेव सिंह और उनकी पत्नी राजविंदर कौर शामिल थी। पुलिस ने गुरदास सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाकी आरोपी फरार हो गए। साल 2012 और 2013 में उन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। हाल ही में पुलिस को सूचना मिली कि राजविंदर कौर ट्रेन से दिल्ली आ रही हैं। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर उनका पीछा किया और उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजविंदर कौर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें 15 लाख रुपए लेकर फर्जी वीजा बनाने का काम दिया गया था। उनके पति सुखदेव सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एजेंट अशोक अभी भी फरार है। पुलिस अब राजविंदर कौर के बैंक खातों की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वो किसी और मामले में भी शामिल रहे हैं। एजेंट अशोक की तलाश भी जारी है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।